दोस्तों, अगर आप एक इफेमर्सॉफ यूजर होंगे तो आपको यहाँ पर इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही होगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर लिख करके आ जाता है वेलकम टू व्हाट्सएप, इस प्रकार से यहाँ पर लिख करके आ जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर नीचे की साइड में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर लिख करके आ जाता है रीड योर प्राइवेसी पॉलिसी। आप यहाँ पर देख सकते हैं रीड योर प्राइवेसी पॉलिसी टू एग्री एंड कंटिन्यू टू एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ सर्विस, इस प्रकार से यहाँ पर लिख करके आ जाता है। अगर यहाँ पर हम नीचे देखें तो आपको यहाँ पर नीचे भी लिखा हुआ मिल जाता है रिस्टोर बैकअप, आपको यहाँ पर रिस्टोर बैकअप का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। और नीचे के साइड में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एग्री एंड कंटिन्यू का आपको यहाँ पर एक्शन देखने के लिए मिल जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको लिखकर सारी चीजें आ जाती है, लेकिन जब आपको यहाँ पर टच करते होंगे तो आपसे यहाँ पर कोई काम नहीं होता होगा। ये एग्री ना कंटिन्यू होता है, ना ही रिस्टोर बैकअप होता है, इस प्रकार की आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम को आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, बस आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और स्टेप बाय स्टेप सीखना है, तभी आप कर पाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई थी और इस वीडियो पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 84,000 लोगों ने यहाँ पर इस वीडियो को देख लिया है। जैसा कि आप यहाँ पर देखते हो, सिर्फ और सिर्फ 4 दिन के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं, 4 दिनों के अंदर 84,000 लोगों ने यहाँ पर देख लिया है और 2,000 लोगों ने इस वीडियो को लाइक भी किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन सभी लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। लेकिन उससे पहले हमारी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के आइकन पर ऑल कर लें, ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। वीडियो को भी लाइक कर दें अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर दें। तो चलिए मैं आपको यहां पर बताता हूं कि किस प्रकार से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर करना क्या है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर लिखा मिल जाता है बैकअप, रिस्टोर बैकअप। आप यहाँ पर देख सकते हैं रिस्टोर बैकअप आपको यहाँ पर लिखा मिल जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर चेक करना है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और चेक करना है कि यहाँ पर आपका जो बैकअप होता है वो रिस्टोर होता है या फिर नहीं होता है। अगर होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो नीचे के साइड में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जो होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्री एंड कंटिन्यू का। एग्री एंड कंटिन्यू पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि एग्री कंटिन्यू होता है या फिर नहीं होता। अगर आपने यहाँ पर दोनों चीज कर लिया है उसके बावजूद भी यहाँ पर ये प्रॉब्लम बनी हुई है, आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है, तो यहाँ पर आपको ऑफिशियल तरीका बताया गया कि कैसे आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। क्योंकि व्हाट्सएप जो आपको बताता है कि ऑफिशियल तरीका कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो तरीका मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। यूट्यूब पर आपने बहुत सारी वीडियो देख ली होगी, आपकी ये वाली प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई होगी, तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि ऑफिशियल तरीका क्या होता है, कैसे आप इसको व्हाट्सएप से आप संपर्क कर सकते हैं, कैसे आप इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। बस आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, कहीं पर स्किप ना कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहां पर करना है कुछ, आपको यहां से बैक खोल लेना है। तो चलिए मैं यहां से बैक खोल लेता हूं। दोस्तों, यहां से बैक होने के बाद आपको यहां पर सबसे पहले कुछ करना है, आपको यहां पर अपने प्ले स्टोर पर जाना है। और जैसे यहां पर अपने प्ले स्टोर पर जाते हैं तो प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको यहां पर सर्च करना है व्हाट्सएप। और जैसे यहां पर व्हाट्सएप आप सर्च करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको यहां पर ये ऑफिशियल व्हाट्सएप होता है, आपको यहां पर शो कर जाएगा। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं ये ऑफिशियल व्हाट्सएप होता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि ऑफिशियल व्हाट्सएप क्या होता है। तो यहां पर जो प्ले स्टोर पर व्हाट्सएप मिलता है ये ऑफिशियल व्हाट्सएप होता है, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने यहां पर इसको इंस्टॉल कर लिया है, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद में आप यहां पर ओपन, आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाता है ओपन का ऑप्शन, आप उस पर क्लिक करना है। और जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से यहां पर ये ओपन हो जाएगा। दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं। तो आपको यहां पर करना क्या है, आपको यहां पर कुछ भी नहीं करना है। आप यहां पर नीचे के साइड में आप यहां पर देख सकते हैं कि इस प्रकार से एग्री एंड कंटिन्यू लिख करके आ जाएगा और ऊपर के साइड में आपको यहां पर एक थ्री डॉट लाइन दिख रहा होगा। आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको यहां पर एक थ्री डॉट लाइन दिख रहा होगा, आपको इस वाले थ्री डॉट लाइन पर ही आपको यहां पर टच करना है। जैसे आप यहां पर इस वाले थ्री डॉट लाइन पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इस प्रकार से यहां पर ये आ जाएगा। आने के बाद दोस्तों, आपको यहां पर कुछ भी नहीं करना, आपको यहां पर कुछ भी नहीं करना, बस आपको यहां पर हेल्प का जो यहां पर ऑप्शन आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाता है, जो हेल्प का ऑप्शन होता है, आपको इस वाले हेल्प वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो चलिए हम यहां पर क्लिक करते हैं। और यहां पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से यहां पर आ जाएगा। आप यहां पर ऊपर आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको यहां पर लिखा हुआ मिल जाता है कॉन्टेक्ट सपोर्ट। उसके बाद में आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको यहां पर लिखा हुआ मिल जाता है डिस्क्राइब योर प्रॉब्लम। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि डिस्क्राइब योर प्रॉब्लम आपको यहां पर लिख करके आ जाता है। तो आपको यहां पर अपनी प्रॉब्लम को बताना है कि आपको यहां पर क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो उससे पहले मैं आप लोगों को यहां पर एक चीज और बताने देना चाहता हूं, आपको अपने व्हाट्सएप पर बैक जाना होगा और वहां पर जाने के बाद आपको यहां पर जो प्रॉब्लम आ रहा है उसका स्क्रीन शॉट ले लेना है। तो चलिए वहां पर हम बैक जाते हैं और उसका स्क्रीन शॉट ले लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैं बैक आ चुका हूं, उसके बाद में आपको यहां पर स्क्रीन शॉट लेना है। इस प्रकार से आप यहां पर स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा और लेने के बाद अब आपको यहां पर फिर से एक बार वहीं पर बैक खोले जाना है। तो चलिए मैं वहां पर चलता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको यहां पर डिस्क्राइब करना है योर प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम को यहां पर बताना है। तो यहां पर क्या आपको अपनी प्रॉब्लम लिखना है, अगर आप यहां पर लिख सकते हैं तो खुद से लिख दीजिएगा, अगर नहीं लिख पाते हैं तो यहां पर हम जो यहां पर कॉपी किए हुए हैं इसके यहां पर पेस्ट कर देते हैं। मैं ऑलरेडी यहां पर लिख करके रखा था तो मैं यहां पर पेस्ट कर देता हूं। इसी चीज को आपको यहां पर हमारे स्क्रीन के साइड में लिख रहा हुआ दिख रहा होगा, आपको उसको कॉपी एंड पेस्ट कर देना है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है और आपको यहां पर ध्यान देना है कि आपका वो जो मोबाइल नंबर, इस प्रकार से जिस मोबाइल नंबर पर प्रॉब्लम आ रही है, आपको यहां पर माई मोबाइल नंबर लिखने के बाद अपना कंट्री कोड लिखना है। उसके बाद में आपको यहां पर अपना मोबाइल नंबर लिख देना, इस प्रकार से यहां पर देना है। और आपको यहां पर ध्यान देना है कि नीचे आपको यहां पर अपनी ईमेल आईडी जरूर देना है, आपको यहां पर अपनी नीचे ईमेल आईडी जरूर देना है।
उसके साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे के साइड में अगर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है जो एक ऑप्शन होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है एड स्क्रीन शॉट। आप यहाँ पर देख सकते हैं एड स्क्रीन शॉट। और नीचे के साइड में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जाता है जो स्क्रीन शॉट लगाने का, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लस का आइकन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो जो स्क्रीन शॉट आपने अभी लिया था जस्ट उसको आपको यहाँ पर लगा देना है। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लगा देता हूँ अपने गैलरी में जाकर के। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर स्क्रीन शॉट भी लगा दिया। अब आपको यहाँ पर नीचे के साइड में राइट साइड में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है नेक्स्ट का ऑप्शन। आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट करना होगा और वेट करने के बाद आपका यहाँ पर इस प्रकार से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे के साइड में आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाता है दिस डजंट आंसर माय क्वेश्चन। आपको यहाँ पर दिस डजंट आंसर माय क्वेश्चन पर क्लिक करना है। और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर आप आ जाएंगे। आने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर के साइड में आना है और ऊपर आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने यहाँ पर जो मैसेज टाइप किया है आपको यहाँ पर सारा का सारा शो कर जाएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर android@support.whatsapp.com को यहाँ पर डायरेक्ट आपका यहाँ पर ये ईमेल जाएगा जिससे आपका व्हाट्सअप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर ही देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है सेंड का। आपको यहाँ पर सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और जैसे यहां पर आप क्लिक करते हैं तो आप यहां पर ये जो मैसेज आपने सेंड किया है वो सेंड हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर 2 से 3 घंटे वेट करना है या फिर हो सकता है कि 24 घंटे का टाइम भी लग सकता है। आपको वहां से एक रिप्लाई आएगा और आपको वहां पर बताया जाएगा कि आपके व्हाट्सएप में क्या प्रॉब्लम आई है, आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा या फिर नहीं हुआ, सारी चीजें आपको अपन मेल में लिख करके आ जाएंगी। तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट व्हाट्सएप से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते किसी और वीडियो में। थैंक यू एंड धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।